घाटी थाना क्षेत्र से चोरी की एक घटना सामने आ रही है, जहां आरोपी ने एक घर का ताला तोड़कर 6 लाख रुपयों की चोरी कर ली। जानकारी के मुताबिक वादी चमनलाल सुखाजी रहांगाड़ले पानी की टंकी के पास काम करते हैं और उनकी पत्नी घर में ताला लगाकर पार्टी की श्यामनगर में अपनी मां के साथ रहने चली गई। इसी बीच एक अज्ञात चोर ने मौका देखकर घर का ताला तोड़कर घर में घुस पड़ा और मौजूद लोहे की अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकद 4000 रुपये वहीं कुल मिलाकर तकरीबन 6 लाख रुपयों का माल लूट कर अपने साथ ले गया। बता दें कि एक हफ्ते में चोरी की यह चौथी वारदात शहर से सामने आ रही है। रोजाना वाहन चोरी समेत कई चोरी के मामले शहर में देखने को मिल रहे हैं। इस मामले पर समाज सेवक गुड्डू रहांगाड़ले ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। भांडेवाड़ी के इस विनोबा भावे नगर पार्टी क्षेत्र में ये चौथी चोरी जो है अम्बे नगर विनोबा भावे नगर में हुई है। कहीं ना कहीं जो है चोरों के हौसले जो है बुलंद है, जिसके कारण आए दिन इस पार्टी परिसर में जो है चोरियां हो रही, चाहे वो भवानी नगर हो चाहे अम्बे नगर भांडेवाड़ी का ये परिसर, यहाँ निरंतर चोरियां बढ़ते जा रही है। और कहीं ना कहीं जो है ये बहुत जो है चिंता का विषय है कि गरीब परिवार के यदि घर का सामान जाता है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आज जो चोरी हुई है इसमें बच्चों के शादी के लिए जो है गहने वगैरह जो है लेकर रखे थे, वो पूरे गहने कम से कम 6 से 7 लाख रुपए के ज्वेलरी की चोरी हुई है, जिसके कारण ये परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है। मेरी आपके माध्यम से ये विनंती है कि इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। और ये आप सबको पता है कि पार्डी भांडेवाड़ी क्षेत्र में जो है अच्छे भी लोग रहते हैं तो असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जो असामाजिक तत्व है, जो जेल से छूटे हुए लोग हैं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, इनकी बाकायदा जो है कुंडली निकाल कर ऐसे लोगों को दबोच कर इनको जो है जेल में, इनकी जगह जो है अगर सही देखा जाए तो जेल में है। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।